अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी रमजान स्पेशल बहुत ही मजेदार पुदीने के पकोड़े। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुदीने के पत्ते लिए इन मैंने से मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया, पत्तों को काट लेंगे। एक प्याली बेसन डाल लेंगे, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल लेंगे, एक प्याली पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए डाल लेंगे, दो सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, एक चमची नमक डाल लेंगे, छोटी वाली चमची है, एक चमची कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, आधी चमची हल्दी पाउडर, एक चमची साबुत धनिया, आधी चमची साबुत जीरा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे पहले अच्छी तरह मिक्स करके बाद में इसमें पानी डालना, फिर जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे, पानी भी एक साथ नहीं डालना, इसे ज़्यादा नरम नहीं करना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके छोटे छोटे रोल तैयार कर लेंगे, आप इसकी ना टिक्कियाँ भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह इसके रोल तैयार कर लेने। सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए ने, आप देख सकते हैं, आप इसकी टिक्कियाँ भी तैयार कर सकते हैं। फ्राई के लिए ऑयल लिए मैंने, ऑयल को एक मिनट तक गर्म होने देंगे। देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें कबाब डाल लेंगे। कबाब को दो मिनट तक पकने देंगे, बाद में इसे उलटाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसे उलटा लेंगे। इसे पकने के बाद में ही उलटाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। इधर से भी दो मिनट तक पकने देंगे, बाद में जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका लेना। इसे मीडियम आंच पर पकाना, फुल आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो कबाब जल जाते हैं। ये पुदीने के बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। माशाल्लाह देखें कबाब हमारे दोनों साइड से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह पुदीने के कबाब कितने ही अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।